नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर का जो है एक दिवसीय दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें 2019 के बाद, जब अपने सेकंड टेन्योर के बाद नरेंद्र मोदी जो है उनका ये पहला श्रीनगर का दौरा है, और 370 आर्टिकल टूटने के बाद जो बात की जाए तो वो उसके बाद से भी ये उनका पहला दौरा है, जहाँ पर आज वो बख्शी स्टेडियम में जन संबोधन करने वाले हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ करेंगे, और लगभग 6,400 करोड़ का जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनका वो जो शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि 5,000 करोड़ के जो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे, और साथ ही साथ जो है 1,400 करोड़ रुपए के जो अधिक राशि के पर्यटन क्षेत्र के संबंधित प्रोग्राम्स हैं उनका भी शुभारंभ करेंगे। इस समय बता दें आपको, श्रीनगर में वो 12 बजे लगभग पहुंच जाएंगे और वहां से वो जन संबोधन करेंगे, जनता को संबोधित होंगे, और कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो है शुभारंभ भी करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर इस समय जो है 4 चौबंद चौकसी कर दी गई है, और वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, चाहे वो डल झील हो चाहे वो झेलम झील हो, हर जगह जो है 4 चौबंद जो है इस समय सिक्योरिटी तैनात है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इस विजिट के दौरान लगभग 1041 जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं। इस समय की जो इनकी विजिट है ये बड़ी ही अहम होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ये 2019 के बाद उनका ये पहला दौरा जो है श्रीनगर की ओर है, जहां पर श्रीनगर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन की डेट्स अब जो है कुछ ही देर में फाइनल हो जाएगी, उसको लेकर भी जो है इस समय पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, हर कोई पार्टी जो है एग्रेसिवली काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो है पार्टीज जो है पूरी तैयारियां कर रही हैं। बात की जाए अगर बीजेपी की तो बीजेपी भी इस समय कमर कसे हुए है। जल्द ही इसके कहा, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की विजिट के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है 11 और 12 मार्च को जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, और साथ ही साथ मुआयना करेगी यहां पर सिक्योरिटी सिनेरियो का, और किस तरह से यहां पर लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं ये भी जो है सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की ये विजिट श्रीनगर की बड़ी ही अहम होने वाली है, जहां पर आज वो लगभग 6,400 करोड़ के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनका शुभारंभ करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में और जो है कारगर सिद्ध होंगे। आज जो है उनकी विजिट है, 12 बजे वो बख्शी स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। इस समय वहां पर सिक्योरिटी काफी पुख्ता है, और वहां पर इस समय लाखों की तादाद में बख्शी स्टेडियम में लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि ये विजिट बहुत अहम होने वाली है। 2019 के बाद और धारा 370 टूटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है श्रीनगर की ओर। इससे पहले वो जम्मू में आ चुके हैं, 2 से 3 जो रैलीज यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन श्रीनगर में ये पहला दौरा, और श्रीनगर की जो आवाम है उनको इस दौरे से खासी उम्मीद है। क्या कुछ इस प्रधानमंत्री आज घोषणाएं करेंगे, उसके लिए आप जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। हम समय दर समय आपको बताते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है इस बार क्या कुछ खास जो है जम्मू के लिए करने वाले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए 20 फरवरी 2024 की, जब वो जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर थे तो उन्होंने यहाँ से 42,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया था और शिलान्यास भी किया था, जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट काफी जो है कारगर सिद्ध होने वाले हैं। और अब जब उनका एक दिवसीय लोकसभा इलेक्शन से पहले श्रीनगर का आज दौरा है, उसको लेकर जो है आज वो लगभग 6,400 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। श्रीनगर के लोगों को, वहां की आवाम को काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया लोकसभा इलेक्शन आने वाली है, ये एक चुनावी रैली भी इसे कहा जा सकता है, और चुनावी रैली के साथ साथ जो आज वो जन संबोधन करने वाले हैं, तो ये कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जन जन के जो है दिल में बस जाना चाहते हैं, और वापसी जो है करेंगे तो उसके बाद से जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे वो शायद वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे देश भर के लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे। विजिट को लेकर क्या कुछ अपडेट होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, जुड़े रहिए तब तक ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।